डिवाइस, जैसा कि नाम से पता लगता है कैपेसिटी, इसमें कुछ कैपेसिटी होगी, किस चीज की कैपेसिटी, तो आंसर है स्टोर करने की कैपेसिटी। क्या चीज को स्टोर करेगा? एनर्जी एंड चार्ज। ओके, बेसिकली वी कैन से इट विल स्टोर एनर्जी। एनर्जी स्टोर करने का क्या तरीका है? आंसर है, एक हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, अगला चार्ज पार्टिकल हम लेकर जाएंगे। चार्ज हमेशा कैसे कैरी होता है? हमें पार्टिकल, बिना पार्टिकल के चार्ज नहीं हो सकता। अगला पार्टिकल चार्ज का जब हम लेकर जाते हैं इसमें स्टोर करने के लिए, तो ये सारे चार्ज मिलकर इसको रिपेल करेंगे, वो एक फोर्स लगाएंगे। लेकिन हम इसको यहाँ ले जाना चाहते हैं तो हम ये काउंटर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को लगाकर इसको पुश करते जाएंगे, करते जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचकर हमने इसको रख दिया तो ये हमने वर्क किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क हो गया। ये वर्क करके हमने इसको इसमें डाला। वर्क करने के लिए हमको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। हमने जो एनर्जी खर्च की, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये उसका लॉ है। तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, किसके पास चली गई वो एनर्जी? तो आंसर है, वो जो चार्ज पार्टिकल हम लेकर यहाँ ले गए थे उस पर हमने वर्क किया, द वर्क इज डन ऑन द चार्ज, इसलिए वो उसके पास स्टोर हो गया। तो अब वो इसका एक हिस्सा बन गया वो पार्टिकल, तो वो एनर्जी इसके पास आ गई। फिर हम एक दूसरा चार्ज लेकर आए, एक और। अब ये सब के सब चार्ज मिलकर इसको रिपेल करते हैं, रिपल्शन का फोर्स बढ़ गया क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा हो गया। फिर हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क किया और यहाँ डाल दिया, इसके पास फिर स्टोर। ऐसा कर करके हमने इसमें चार्ज स्टोर करते चले गए और ये एनर्जी हमको मिल गई। वो सारे के सारे चार्ज इसमें लॉक हो गए, इसमें कैद हो गए, अरेस्ट हो गए। क्यों? ये सब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर जाना चाहते हैं, कितनी दूर? इंफिनिटी तक, लेकिन जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? कंडक्टर 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 नॉन कंडक्टर एयर है, यहां आकर वो किनारे किनारे में फंस जाते हैं, दे कैन नॉट गो आउट, यहां लोकेट हो जाते, बस यहां आके खड़े रहते हैं। अब हमने जो वर्क करके इन्फिनिटी से ऐसे उठाकर लाए थे, यहाँ पर इसको वर्क करके डाल दिया, एनर्जी इसके पास आ गई। जब तक ये वहाँ जाएंगे नहीं, ये वो उस एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे। अगर ये उस एनर्जी को स्पेंड नहीं करेंगे तो सारी एनर्जी अभी इसके पास है। तो जब तक इसके पास चार्ज है तब तक इसके पास एनर्जी है। तो हमने एक चीज याद कर ली कि एक कंडक्टर के पास अगर चार्ज है तो उसके पास एनर्जी भी है, क्योंकि बिना एनर्जी के हम उसमें चार्ज डाल ही नहीं सकते। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल फैक्ट है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। एवरी कंडक्टर विच हैज चार्ज हैज गॉट एनर्जी। और ये चार्ज इसके अंदर खड़े हुए हैं इसलिए इसका नाम पोटेंशियल एनर्जी, मूव नहीं कर रहे, और इलेक्ट्रिकल चार्ज से बनी है इसलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एनर्जी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जब हम ऐसे चार्ज लेते हैं इसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आती है, और इसके पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जब भी ये वर्क डन इसमें इकट्ठा होता है तो वर्क डन का लेवल बढ़ने से और क्या बढ़ता है? आंसर है पोटेंशियल। ये भी हमने पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम इसमें वर्क चार्ज देते जाते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ते चला जाता है। और वी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज वी? Q upon R, 1/4πε0 Q upon R, ये पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो पोटेंशियल किससे बढ़ता है? Q से, चार्ज से। इन सब को कंबाइन कर लीजिए। तो जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो क्या क्या इंक्रीज होता है?
उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है और उसका एनर्जी भी इंक्रीज होती है, उसके अंदर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, ठीक है। क्यों करेंगे हम ऐसा? तो आंसर है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाद में हमको उस एनर्जी की जरूरत पड़े तो हम वो एनर्जी उससे ले सके, उस एनर्जी को लेके अपना किसी भी तरह का काम करवा सके। किस तरह का काम करा सके? बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लाइट चाहिए, बड़ी तेज लाइट एक साथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये चार्ज किया हुआ कंडक्टर हमारे पास है, हमने एक लाइट रखी, लाइट का एक सिरा अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ हमसे अर्थ का सेंटर इंफिनिटली लार्ज डिस्टेंस पर है, उसका पोटेंशियल जीरो। दूसरा सिरा लाइट का, एक सिरा अर्थ से जोड़ा और ये दूसरा सिरा हमने इस कंडक्टर से जोड़ दिया, ओके। अब जैसे ही हम इससे जोड़ के स्विच ऑन करेंगे, इसको बाहर जाने की जगह चाहिए और ये कंडक्टर मिल गया है, कहाँ जाने के लिए, अर्थ में जाने के लिए, पूरा का पूरा चार्ज एक साथ तेजी से इस लाइट में से जाता है। अब चार्ज जब इसमें से जाएगा, करंट बनेगी और वो चार्ज अपनी एनर्जी किसको दे देगा, लाइट, और लाइट बड़ी तेजी से जलेगी, बड़ी स्पीड से जलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो पूरी एनर्जी अपनी दे रहा है, एक साथ दे रहा है, तो ये एनर्जी को हमने यूज कर लिया और हम लोग रोज कर रहे हैं इस एनर्जी को। मोबाइल में कैमरा है, कैमरे के साथ फ्लैश है, वो फ्लैश जब जलती है तो एनर्जी कहां से आती है, कैपेसिटर से। ये है वो वाली एनर्जी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें चार्ज से एनर्जी भरता कौन है, बैटरी। तो बैटरी जब उसमें एनर्जी भरती है तो एक 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 चार्ज ले जाके एनर्जी भरती है, उसको एनर्जी भरने में 5 सेकंड लग जाता है, और जब हम फ्लैश करते हैं तो 0.1 सेकंड लगता है, पूरी की पूरी एनर्जी हमको कैपेसिटर से वापस मिल जाती है, उस कंडक्टर से वापस मिल जाता है। तो ये हमने एनर्जी स्टोर की। एनर्जी के और ज़्यादा यूज, बहुत यूज है कैपेसिटर की एनर्जी के, आदमी के जान बचाने के लिए, मेडिकल में हार्ट को पंप करने के लिए हम लोग उसको काम में लाते हैं, डिफिब्रिलेटर्स में। तो कैपेसिटर चैप्टर के एंड में हम लोग डिफिब्रिलेटर्स भी पढ़ेंगे, ओके। तो ये हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये चार्ज हम उसमें इकट्ठा करते हैं तो हमको एक डिवाइस मिल गई। अभी तक हम एनर्जी और चार्ज स्टोर करते थे बैटरी में, अब इसमें करने लगे कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज देते जाओ और उसमें एनर्जी और चार्ज स्टोर होती जाएगी, तो हम बड़े खुश हुए कि हमको एक स्टोर मिल गया, देते जाओ भरते जाओ। लेकिन कितना एनर्जी, कितनी चार्ज हम उसमें भर सकते हैं, इज देयर ए लिमिट? आंसर यस, देयर इज ए लिमिट। क्या लिमिट होती है? जैसे किसी भी डब्बे की लिमिट होती है, किसी भी बाल्टी की लिमिट होती है, उसमें आप पानी भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, कब तक भर सकते हैं? आंसर है, जब तक ओवरफ्लो होके उसमें से लीक होना शुरू हो, तब तक। अगर उस बकेट में 30 लीटर पानी भर गया है तो आप 31 लीटर जब डालेंगे तो उसमें से 1 लीटर लीक हो जाएगा। अब उसके अंदर कितना रहेगा? 30 लीटर। ये एक कैपेसिटी होती है और एग्जैक्टली यही चीज हमारे कंडक्टर्स पर भी एप्लीकेबल होती है। तो जब हम उसको चार्ज देते हैं, चार्ज देकर हम छोड़कर आते हैं, तो ये चार्ज यहां से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है? ये बात को हमको समझना है। ये इसलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि इस कंडक्टर के चारों तरफ एयर होती है। ये कंडक्टर है, इसको हमने ये चार्ज दे दिए, इसके चारों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम, ये एयर का एक बड़ा सा एटम है। एयर मीन्स इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन, ये दो ही कॉम्पोनेंट ज्यादा होते हैं। इनका एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इस तरह से। ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को खींचकर रखता है और इसका नेट चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं। अगर ये प्लस बाहर जाना चाहता है तो तरीका क्या है कि ये इस माइनस को अपनी तरफ खींचना चाहता है,
और न्यूट्रलाइज होना चाहता है, लेकिन ये जब इस माइनस को अपनी तरफ खींचता है तो ये प्लस इसकी पावर ज्यादा है और ये माइनस को बाहर नहीं जाने देता। इसको अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कॉल इट आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी इसको मिलनी चाहिए कि ये इसको छोड़कर इसके साथ चला। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इसको खींचना चाहता है, लेकिन जब इसका फोर्स ज्यादा होगा तभी खींच पाएगा। इसका फोर्स कैसे ज्यादा होगा? फोर्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। व्हाट इज ई? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? चार्ज। अब ये चार्ज हम इंक्रीज करते जाते हैं, अगर ये चार्ज हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। फोर्स इंक्रीज होते होते एक ऐसी लिमिट आएगी कि ये वाला फोर्स जिससे इसको ये खींच रहा है, ये वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला फोर्स वीक हो जाएगा। अगर ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। ये प्रोसेस समझ में आई? ओके, अब थोड़ा सा काउंटिंग नाम लीजिए। इसको हम चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज स्टोर होते जा रहा है और इसके पास चार्ज स्टोर होते होते 10,000 चार्ज हो गए। इस समय इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 10,000 हो गया। अब हमने इसको और एक चार्ज दिया और इसका चार्ज 10,001 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 10,001 हो गया, लेकिन 10,001 जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये इतना ज्यादा हो गया कि इसने इसको खींच लिया। अगर इसने इसको खींच लिया तो इसका एक प्लस न्यूट्रलाइज हो गया। इसका एक प्लस न्यूट्रलाइज हो गया तो इसका चार्ज फिर कितना हो गया, एक माइनस वन इधर से आ गया तो इसका चार्ज कितना हो गया 10,000। बाहर जो एयर है, एयर इसका पहले चार्ज क्या था, जीरो। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास चार्ज कितना हो गया, प्लस वन। ये सिचुएशन आ गई। अब हमने फिर इसको एक चार्ज दिया और इसका चार्ज कितना कर दिया, 10,001। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितना हो गया, 10,001। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने एयर के दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब अगर इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एक माइनस इसमें आ गया, एक माइनस इसमें आ गया, चार्ज कितना हो गया 10,000। और एयर के पास ये पहले एक पॉजिटिव एटम बन गया था, ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया, प्लस। अब एयर में कितने पॉजिटिव आयन हो गए, और हमारे पास इसके अंदर कितना चार्ज है, 10,000। फिर से हमने वही प्रोसेस की, इसको एक देते हैं, ये 10,000 बल्ब होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से ये इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और ये फिर से 10,000 हो जाता है और ये वाला एक और मॉलिक्यूल जो है ये पॉजिटिव बन गया। अब देखिए, यहां से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक चार्ज दिया, दूसरा, ये एक चार्ज दिया, दूसरा चार्ज दिया, तीसरा चार्ज दिया, तीन बार हमने चार्ज दिए और नेट चार्ज अभी भी उतना का उतना ही है। हमारे तीन चार्ज सारे एयर, ये कौन है, एयर। एक बकेट में हमने 30 लीटर 10,000 लीटर पानी डाल दिया, अब उसके ऊपर 3 लीटर डाला तो 3 लीटर कहां चला गया, एयर में चला गया बाहर। दिस इज लीकिंग, लीकिंग ऑफ चार्ज। तब ये ऐसा होने लगा जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एयर, क्योंकि टूट कौन रहा है, एयर टूट रही है। सो दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द एयर, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो हम चार्ज कहां तक दे सकते हैं, जब तक
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ना हो जाए, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। उसके बाद क्या होगा, हम चार्ज देते जाएंगे, बाहर के एटम टूटते जाएंगे और हमारा चार्ज लीक होता चला जाएगा। दिस इज द लिमिट अप टू विच वी कैन चार्ज ए कंडक्टर, दिस इज द लिमिट अप टू विच वी कैन गिव एनर्जी टू ए कंडक्टर। इससे ज्यादा एनर्जी हम नहीं दे सकते, दैट इज लिमिटेशन। अब इसके क्वेश्चन सुनिए, कैन वी गिव ना वेयर कैन वी स्टोर एनर्जी, आंसर इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी वी कैन स्टोर इन ए कंडक्टर। कैन वी स्टोर इन्फिनिट चार्ज एंड इन्फिनिट एनर्जी इन ए कंडक्टर, आंसर इज नो। व्हाई नॉट, बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीच इक्वल टू द ब्रेक डाउन पोटेंशियल ऑफ ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ द मीडियम, ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ द मीडियम, यहां पर मीडियम है, देन चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग। नाउ वी कैन नॉट गिव चार्ज एनी, ठीक है, सो नो इन्फिनिट चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर। इसको हम लोग शब्दों में लिख लेते हैं, नो इन्फिनिट चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर। After certain increase, the electric field becomes so strong that it ionizes the medium. और मीडियम क्या होता है, जनरली एयर, इट आयोनाइज द मीडियम, आफ्टर दैट आफ्टर विच चार्ज स्टार्ट लीकिंग। This is maximum limit. This is maximum limit of charge or maximum limit of giving energy. ओके, दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ये अब हम इस बात को समझे कि किसी को भी ज्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता, देयर इज अ लिमिट। अब इसके बाद ये इसकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम एक नई टर्म देते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटी और कैपेसिटेंस इसमें डिफरेंस है, और अब हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का आप जनरल कैपेसिटी और कैपेसिटेंस में डिफरेंस इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम बाजार में शक्कर लेने जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, शुगर के अलग अलग ढेर लगे हुए हैं, और कोई शुगर का ढेर 1000 रुपए का है, कोई 500 रुपए का है, कोई 700 रुपए का है, और उसकी क्वांटिटी भी अलग अलग है। हमको समझ में नहीं आता, हमको क्या समझ में आता है, टोटल कॉस्ट, किसी की 1000 रुपए, किसी की 700, किसी की 500। लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो हम उससे ये पूछेंगे कि इसका रेट बताइए। रेट में वो हमको क्या बताएगा, हर एक का पर केजी का रेट, पर केजी। उससे हमको पता लगेगा कि किसकी क्वालिटी अच्छी है,
तो पर केजी का जो रेट होता है उसी तरह से हर कंडक्टर का पर वोल्ट इंक्रीज करने का एक चार्ज होता है, पर वोल्ट इंक्रीज करने का एक चार्ज होता है। फिर से सुनिए, कंडक्टर से चार्ज लीक होगा कब? जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज आ जाएगी। हम लोगों ने इसमें नोट नहीं किया था, नोट कर लेते हैं इसमें। दिस वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर एयर, ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर एयर इज ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर एयर इज 3.3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, और ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन फी ब्रेकडाउन फी फॉर एयर इज 3.3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस कंडक्टर में ज्यादा वोल्टेज लेने की या ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो उसके लिए हमने एक दूसरी टर्म बनाई, दैट टर्म इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग कंडक्टर्स लिए, हर कंडक्टर को चार्ज देना शुरू किया, और चार्ज देने से उसकी वोल्टेज बढ़ेगी, और हमको कंट्रोल किस पे रखना है, वोल्टेज पे, क्योंकि वोल्टेज जब पहुंचेगी 10⁶ तो वो लीक होना शुरू हो जाए, तो हम ये चाहेंगे कि वो 10⁶ नहीं जाए, यानी ज्यादा चार्ज स्टोर कर ले और वोल्टेज मत उठे। तो उस कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे, एक अच्छा कंडक्टर है, एक अच्छा कैपेसिटर है, इतना सारा चार्ज उसको दे दिया तब भी उसकी वोल्टेज 10⁶ नहीं पहुंची। लेकिन 10⁶ पहुंचाना, हम हरेक को पहुंचाने नहीं जाते 10⁶, हम इस बात का, इस क्वालिटी का मेजरमेंट कैसे कर लेते, सिर्फ एक वोल्ट बढ़ाकर। एक हमने कंडक्टर लिया, इसको चार्ज दिया 2 कूलम चार्ज दिया, इसका वोल्टेज 1 पड़ गया, फुल नहीं किया, 2 वोल्ट 2 चार्ज दिया और इसका 1 वोल्ट पड़ गया। फिर हमने इसको लिया, इसको चार्ज देते गए 6 चार्ज दे दिया 6 कूलम, तब जाके ये 1 वोल्ट पड़ा। इसको कितना दिया था, 2 कूलम और ये 1 वोल्ट पड़ गया, इसको दिया 6 कूलम और ये 1 वोल्ट पड़ा। आप इसमें स्टोर करना पसंद करेंगे, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में, क्योंकि हायर वोल्टेज पर पहुंचने के लिए इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। तो इसका क्या अच्छा है, इसका कैपेसिटेंस अच्छा है। क्या अच्छा है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं उसको हम उसका कैपेसिटेंस कहेंगे, किसी भी कंडक्टर का। ये उसी तरह से होता है जैसे वाटर टैंक में हमको पता है 1 मीटर हाइट आएगी तो उसके बाद पानी लीक हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है, एक वाटर टैंक ऐसा है 1 मीटर, दूसरा वाटर टैंक ऐसा है 1 मीटर, ओके, दोनों में हाइट 1 मीटर आएगी, लीक हो जाएगा। तो 1 मीटर हाइट के लिए इसमें 10 लीटर पानी रख सकते हैं और इसमें 50 लीटर रख सकते हैं, 50 लीटर, तब ये लीक होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मीटर पानी उठाने के लिए, इस 1 मीटर हाइट के लिए 50 लीटर लगता है, तो इसका क्या ज्यादा है, कैपेसिटेंस। अगर हम अब ये कैपेसिटेंस के लिए हमको पूरा भरने की जरूरत नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं इसका 1 सेंटीमीटर हमने उठाया, 1 सेंटीमीटर उठाया तो हमने ये देखा कि इसमें 0.5 लीटर वाटर लग गया, इसका 1 सेंटीमीटर उठाया तो 0.1 लीटर लगा, दोनों 1 सेंटीमीटर उठ गए, लेकिन इसने सिर्फ कितना पानी स्टोर किया 0.1, इसने कितना स्टोर किया 0.5, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा,
सेकेंड से ज्यादा, क्या हमने पूरा करके देखा? नहीं देखा। इसी तरह से किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, सिर्फ एक वोल्ट बढ़ाकर हम देखेंगे कि वो कितना चार्ज लेता है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और उसी को उसका क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। ओके, सो ये हमने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनाई। अब देखिए, जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है, और इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। इफ Q इज प्रोपोर्शनल टू V, देन वी कैन राइट इट Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज अ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर इट इज C इज इक्वल टू U अपॉन V। This constant of proportionality, this we call as capacitance. Capacitance. And what is mean by this capacitance? यहां से हम इसकी डेफिनेशन बनाना शुरू करते हैं। डेफिनेशन हम इस तरह से बनाते हैं, if potential difference V is equal to 1 volt, then C is equal to ये हमको किस तरह की डेफिनेशन देता है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज विच विल इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज दैट quantity of charge which will increase its potential by 1 volt, which will increase its potential by 1 volt. ये है capacitance का formula। अब इस कैपेसिटेंस पर हम और आगे डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस इज ए क्वांटिटी इन फिजिक्स, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी कोई यूनिट भी होगी। हम ये भी फैसला कर सकते हैं वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। हम ये भी फैसला कर सकते हैं इसकी डायमेंशन क्या क्या है, बेसिक डायमेंशन है। सो ऑल दीज थिंग्स वी शुड बी क्लियर अबाउट। तो इसको हमने बनाया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। क्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी, बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो सी इज नेचुरली ए स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस स्केलर, यूनिट इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, दिस इज कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, पर ये जो कूलम पर वोल्ट है, कैपेसिटेंस को हम इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हमने इसके लिए अलग से एक यूनिट एस्टैब्लिश किया, एंड दैट यूनिट विच इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, इसका हमने नाम रखा फैरेड। फैरेड, और इसका सिंबल कैपिटल एफ, फैरेड। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स डिफाइन कि एक 1 फैरेड कैपेसिटेंस कितना बड़ा या कितना छोटा कैपेसिटेंस होता है। किस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड कहेंगे? ठीक है, हाउ विल यू डिफाइन 1 फैरेड कैपेसिटेंस? तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस इज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर विच विल होल्ड 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, एंड इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये आगे हम अच्छा यूनिट ले लिया। इसके बाद पहले एक चीज बना लेते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन के लिए क्यू की डायमेंशन क्या होती है? क्यू की डायमेंशन ए टी एम्पियर इंटू टाइम, ए टी डिवाइडेड बाय बी। बी इज व्हाट?
W अपॉन Q, W अपॉन Q, वर्क, वर्क के लिए क्या लेना, रिपेल्ड टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय Q, Q इज चार्ज, चार्ज इज 80, नीचे का 80 और ऊपर चला जाएगा, ओके तो ये कितना हो गया, एम को पहले लिखते हैं, उसके बाद L को लिखते हैं, एम एल टू, उसके बाद P को लिखते हैं, ये ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा 4, उसके बाद A को लिखेंगे तो एक भी टू, तो एम एल टू टी टू पावर 4, ए टू पावर एम माइनस 1, करेक्ट, एम माइनस 1, एल माइनस 2, e to the power plus 4 and a to the power 2. ये हो गए dimensions of capacitance. Dimensions of capacitance. ठीक है, अगर आप याद करें तो ठीक है, नहीं याद करें तरीका याद कर लीजिए, because there will be 100 subpoints जो आपसे इस तरह से पूछी जाएगी. Okay, ये इसकी dimensions, scalar and this is the unit. अब हम लेते हैं व्हाट इज 1 फैरेड, डिफाइन 1 फैरेड कैपेसिटेंस, वन फैरेड कैपेसिटेंस जिस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है उसका सी क्यू अपॉन बी in C is equal to Q upon V if Q is equal to 1 coulomb, V is equal to 1 volt, then C is equal to 1 farad. अब इसको हमने शब्दों में लिखना चाहा, तो देखिए वर्ड्स में किस तरह से इसको लिखेंगे, 1 farad is capacitance of 1 farad is capacitance of that conductor, 1 farad is capacitance of that conductor whose voltage increased by 1 volt whose potential difference increase by 1 volt when a charge of 1 coulomb is equal to it. When the charge of 1 coulomb is given to it. This is definition of 1 farad. ठीक है, ओके. अब उसके बाद ये किस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस? तो आंसर है कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर. ज्योमेट्री मतलब उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी, उसकी मोटाई कितनी. जितना बड़ा वो होगा उतना ज्यादा आप चार्ज को समा सकते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक. सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री. कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर. ओके, तो ये कैपेसिटेंस टर्म के बारे में हुआ. अब कैपेसिटेंस का यूनिट हमने क्या बनाया है, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि किस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है. इसके एग्जांपल के लिए हम शुरू करते हैं. हमने सबसे सिंपल शेप ली, एक गोल बॉडी, एक स्फीयर कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, दिस यू विल नो. सो द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस.
capacitance of a sphere. एक स्फीयर हमने लिया जिसका रेडियस r है और इस r रेडियस के स्फीयर को चार्ज दिया. चार्ज देते जाते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है. ओके, पोटेंशियल इंक्रीज होके पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा इसको देखिए. दिस इज अ स्फीयर रेडियस r, वी हैव गिवन इट द चार्ज q. When we give it the charge q, then what is its potential? ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इसका potential v, v का formula कितना होता है? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. This is potential on the surface of this sphere. और जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल उसके अंदर होता है. ठीक है, तो एक स्फीयर को q चार्ज देने से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा. अब अगर q चार्ज देने से इतना पोटेंशियल डेवलप हुआ तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू रख देते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्यू, पोटेंशियल की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, ओके, कितना आया? ये this is capacitance of a sphere 4 pi epsilon naught r. ये याद रखिएगा, capacitance of a sphere is 4 pi epsilon naught r. अब इसमें 4 pi epsilon naught क्या है? It's a constant. ठीक है, और r क्या है? Radius. इसका size किससे indicate होता है? r से, radius. Okay, इसका साइज आर से इंडिकेट होता है और आर छोड़कर इसमें और कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं है. तो उससे क्या होगा? वी कैन से दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन साइज ऑफ द स्फीयर. बस जितना बड़ा रेडियस होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उतना ही इसका कैपेसिटेंस होगा. ठीक, सो कैपेसिटेंस depends on size of sphere. अच्छा, अगर इस सिस्टम से अगर ये फॉर्मूला हमारा ट्रू है, then we can find out capacitance of any spherical object. Now we have got a very big spherical object, that is Earth. So, calculate capacitance of Earth. करिए, सबको आप मालूम है Earth का? R is equal to 6400 किलोमीटर. तो ये कैलकुलेशन आपने की और ये कैलकुलेशन करने से कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ ये कितना आया? 7.11 × 10⁻⁴. लेकिन हम लोगों के जो कॉमन यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स, दोज आर फुल फैरेड, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पीको फैरेड. ये क्या होते हैं? 10⁻⁰ फैरेड. मिली में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻³. माइक्रो में -6. नैनो में -9. और पीको में -12. हमको अपने आंसर्स इसी में ही देने चाहिए बिकॉज दीज आर वेल नोन यूनिट्स. तो हम बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रखना चाहते, सिर्फ थोड़ी सी वैरायटी रखना चाहते हैं. छोटा है तो मिली, जो हमको आंख से दिखता है,
जब आंख से दिखना बंद हो जाता है तो हम माइक्रो शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब वो एटम के अंदर के साइज का बन जाता है तो उसको नैनो शुरू कर देते हैं, नैनो पार्टिकल्स, और -9 और उससे छोटा होता है तो पीके। तो इसको हम लोग माइक्रो में दिखाएंगे। द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर कैपेसिटेंस इज माइक्रो फैरेड, और ये कितना आ गया 711 माइक्रो फैरेड -6 फैरेड। ये जो -6 फैरेड है इसको लिखने में भी हम लोगों को कष्ट मत हो, इसलिए हमने इसका भी सिंबल बना दिया, एंड वी विल राइट इट म्यू। सो दिस इज 711 वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर माइक्रो, शब्द में लिखेंगे माइक्रो, सिंबल में लिखेंगे म्यू, और मैथमेटिक्स में लिखेंगे 10^-6। So this is mu micro 10^-6। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो म्यू को किसमें ट्रांसलेट कर लेंगे, 10^-6 पूरी अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर जब हम आंसर लिखने लगेंगे तो आंसर में इसको गायब कर देंगे और क्या लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने का इजी तरीका हमने बनाया, ओके। तो ये अर्थ का कैपेसिटेंस होता है। अब अगर 1 फैरेड हो तो 1 फैरेड में कितने माइक्रो फैरेड होते हैं, 10 के बाद कितनी जीरो लगाना, 10 के बाद 6, और 6 डिजिट बनेंगे, ये कितने डिजिट हैं, 3। इतना छोटा, इतनी बड़ी अर्थ है लेकिन उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी माइक्रो फैरेड, 711। तो हमको लगा कहीं ना कहीं गड़बड़, कहां गड़बड़ है, तो इसका आंसर यह है कि हमने जो यूनिट माना है फैरेड उसमें गड़बड़, हमने यूनिट गलती से बहुत बड़ा मान लिया। गलती से क्या हमने बनाया, अब कूलम ऐसा है, वोल्टेज जैसा है, कूलम वन वोल्ट लिया तो 1 फैरेड आ गया, लेकिन 1 फैरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट। किस तरह से लार्ज यूनिट है, हम सोना खरीदने जाते हैं और सुनार से कहते हैं सोने का ये चूड़ी दो, तो हमने उससे पूछा ये कितने टन का है, कितने टन, कैलकुलेट तो वो कर सकता है लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है, नहीं। लेकिन टन एक मेजरमेंट तो है मास, गलत नहीं है। इसी तरह से फैरेड एक यूनिट है, लेकिन कैसा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हमने उसका एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाया, दूसरा नाम नहीं रखा। प्रैक्टिकल यूनिट क्या बना दिया, माइक्रो फैरेड बस। तो अब से हमारे कैपेसिटर जो होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, सबका यूनिट क्या होता है, माइक्रो फैरेड। इस पंखे में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये लगा हुआ है 1.2 माइक्रो फैरेड। हमारे कूलर में, हमारे एयर कंडीशनर में लगे रहते हैं, एंड दोज आर 30 माइक्रो फैरेड, 20 माइक्रो फैरेड, 10 माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड अपने आप में काफी बड़ा यूनिट है। So, this is practical unit, तो नोट कर लीजिए, practical unit for capacitance is microfarad for electrical circuits. लेकिन जो electronic circuits होते हैं जो खुद सेल पर चलते हैं, 1.2 वोल्ट तो उनका वोल्टेज ही होता है, उसका कैपेसिटेंस जो हमको लगते हैं उसके कैपेसिटर और भी कम कैपेसिटी के लगते हैं, बहुत कम कैपेसिटी के, उसमें हम यूनिट यूज करते हैं पीको फैरेड। माइक्रो फैरेड फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, पीको फैरेड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैपेसिटेंस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस साइज के लगते हैं माइक्रोफैरेड साइज के, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पिकोफैरेड साइज। ओके, तो ये हमने पढ़ा कैपेसिटेंस का
यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है अर्थ का, और एक स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है। अब आप ये देख रहे हैं कि स्फीयर का कैपेसिटेंस माइक्रोन में होता है, विच इज ए वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। तो अब हम पढ़ना चाहते हैं कि अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, ज्यादा एनर्जी हमने इसमें डालनी है और ज्यादा चार्जेस को स्टोर करना है, तो क्या तरीका हो सकता है? हम ज्यादा रखना चाहते हैं, तो ज्यादा रखने के लिए हमने एक तरीका बनाया, अलग तरह की ज्योमेट्री बनाई, और उस ज्योमेट्री में हमने ये किया कि एक कंडक्टर के पैरेलल एक दूसरा कंडक्टर रखा। एक कंडक्टर के पैरेलल जब दूसरा कंडक्टर रखते हैं तो हम देखते हैं कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, कैपेसिटेंस इसका बहुत बढ़ गया, और ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है और ज्यादा एनर्जी भी स्टोर कर सकता है। तो एक सिस्टम हमने बनाया, इस सिस्टम में दो पैरेलल प्लेट रहेगी, एक प्लेट में हम चार्ज देंगे और दूसरे प्लेट को अर्थ से जोड़ देंगे ताकि इसके इस तरफ का पोटेंशियल जीरो हो जाए। इस तरह से हमने ये एक सिस्टम बनाया, दो पैरेलल प्लेट का सिस्टम, और इस सिस्टम को हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो दिस इज ए सिस्टम नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। It has got one conductor. This will carry charge. इसके पैरेलल, इसके ठीक सामने हम एक दूसरा कंडक्टर प्लेस करते हैं। ये दोनों कंडक्टर का कुछ एरिया होता है, एक लाइन नहीं, ये तो ऐसी ड्रॉइंग बनी है बेसिकली। ये This will be a plate like this, ठीक है? और इसको हमने ऐसा दिखाया है, ये दो आमने सामने दो डिस्क है, ये जो दूसरी डिस्क है इसको हमने अर्थ कर दिया और ये अर्थ का सिंबल बना दिया, ओके? अब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये अर्थ का सिंबल है, इसका जीरो वोल्ट है, तो जैसे ही हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं इसमें इंडक्शन होता है, और इंडक्शन होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो हम क्या देखते हैं, अब हमारा सिस्टम ऐसा बन गया, ये इस तरह से, ये जो दो प्लेट का सिस्टम है, एक तरफ अर्थ किया हुआ और एक तरफ चार्ज दिया गया, इसको हमने कितना चार्ज दिया है क्यू, This is known as parallel plate capacitor. इस parallel plate capacitor की capacity बहुत ज्यादा increase हो चुकी है, ठीक है? और इसमें हम energy store करके रखते हैं, okay? इसमें जो energy store करके रखते हैं, कितनी energy store करके रखते हैं, ये इस पर depend करता है इसका area बड़ा है, इन दोनों plates के बीच में distance कितना है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, एक छोटी सी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। पहले इनके फंक्शन देखते हैं। ये जो प्लेट हमने ली, इस प्लेट का क्या काम है, स्टोर तो ये कर रहा, ओके, इन दोनों के बीच में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां बन जाता है, प्लस क्यू माइनस, ओके। इस प्लेट को हमने चार्ज दिया, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ता है, तो इसका पोटेंशियल जब बढ़ता है, ये इसको हमने कुछ चार्ज दिया, सपोज 1000 माइक्रो कूलम इसको चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल 1000 वोल्ट हो गया। अगर इसका पोटेंशियल 1000 वोल्ट हो गया और इसके पास चार्ज 1000 माइक्रो कूलम हमने दे दिया, हम अगर और चार्ज देंगे तो लीक होना शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। सपोज अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी चीज को सोचते हैं, ये एक प्लेट है, इस प्लेट के पास कुछ चार्ज है, इस प्लेट के पास चार्ज है क्यू, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और पोटेंशियल भी बनाता है,
दोनों चीजें बनाता है जो हम चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर आर डिस्टेंस पर ये प्लेट, अगर इसके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, तो ये यहाँ कितना पोटेंशियल बनाएगा? आंसर है क्यू अपॉन आर, इतना ये यहाँ पर पोटेंशियल बनाएगा दिस प्योर नो। अगर इसके पास यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, तो ये यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनाएगा? माइनस क्यू अपॉन आर, ये कितना पोटेंशियल यहाँ बनाएगा? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको मालूम है। अब अगर हम एक ऐसी प्लेट ले गए जिसके इस तरफ यहाँ माइनस है और इस तरफ प्लस है, तो ये दोनों यहाँ पोटेंशियल बनाएंगे। अब बताइए यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा या कुछ वैल्यू होगी? कुछ वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि माइनस के लिए आर इतना है और प्लस के लिए आर इतना है। इसके लिए आर बड़ा है, प्लस के लिए, तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? माइनस के प्लस, जो नजदीक है माइनस, तो माइनस ज्यादा होगा। तो जैसे ही हम ये प्लेट वहां पर रखेंगे, कौन सा पोटेंशियल वहां पर आ जाएगा? माइनस पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लेट पूरी माइनस होती तो माइनस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती, प्लस है थोड़ा सा कैंसिलेशन हो जाता है। ओके, ये एक चीज आप समझिए, इसका नेट पोटेंशियल कितना है? इसका, इसके पास प्लस क्यू इस तरफ है और माइनस क्यू इस तरफ है, तो बताइए नेट पोटेंशियल कितना? जीरो। जीरो पोटेंशियल वाली प्लेट अगर इंड्यूस कर दी जाए तो वो अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इसमें डायपोल बल के पावर से माइनस अलग हो गए, प्लस अलग हो गए, दोनों अलग अलग पोटेंशियल बनाते हैं। ओके, अब देखिए क्या हुआ। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने 100 माइक्रो कूलम दिया, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसका पोटेंशियल इतना बढ़ गया। अब हम उसमें और चार्ज नहीं दे सकते, इसका कैपेसिटेंस ना था फुल। अब हमने क्या किया, इसके सामने एक सिंपल प्लेट रख, जैसे ही ये प्लेट रखते हैं इंडक्शन होता है। इस प्लेट का अपना नेट चार्ज जीरो है, अब इस पे इंडक्शन हुआ, इंडक्शन के कारण प्लस के सामने किसको खींच लिया? माइनस। अगर इस पे माइनस को खींचा तो रिपेल किसको करेगा? प्लस को, तो प्लस इधर चले जाएंगे, इस तरफ प्लस आ गए और इस तरफ माइनस आ गए। अब बताइए ये दोनों मिलकर ये r डिस्टेंस पर, या ये डिस्टेंस को d बोलेंगे, d डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। कितने डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे? कैसा, माइनस की प्लस? अभी हमने क्या देखा था, कौन सा क्रिएट होता है? माइनस। तो ये प्लेट भी कैसा पोटेंशियल यहां क्रिएट करेगी? माइनस। इसका पुराना पोटेंशियल कितना था? 1000 वोल्ट। इसने यहां पर माइनस पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, मान लीजिए माइनस 300, इतना नजदीक है कि इसने यहां माइनस 300 वोल्ट क्रिएट किया, तो ये कितना हो गया? 700 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कम हो गया। ये प्रिंसिपल याद कर लीजिए, क्या है ये प्रिंसिपल? व्हेनेवर ए न्यूट्रल प्लेट इज ब्रॉट नियर ए चार्ज प्लेट, द पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट ऑलवेज डिक्रीज। इसको शब्दों में नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन। व्हेन ए न्यूट्रल प्लेट इज ब्रॉट नियर ए चार्ज प्लेट, the potential of charge plate decrease, ठीक है। ये प्रिंसिपल पक्का याद रखिए। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, what happens to the charge plate when a neutral plate is brought near? आंसर क्या देंगे? Its potential will decrease। अगर आपको, आपने अभी ध्यान देकर इसको याद नहीं किया और एग्जाम में चले गए, कुछ भी कर लीजिए, आपको ये याद नहीं आएगा।
ये इतनी छोटी सी चीज है और आपको हजारों चीज पढ़कर जाएंगे, उसमें से ये छोटी सी चीज याद आना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको ये याद आता है दैट मीन्स आपने बहुत डिटेल में स्टडी की है और अच्छी स्टडी की। तो रिमेम्बर दिस वन पॉइंट, अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब देखिए पहले इसका कैपेसिटेंस कितना था, कैपेसिटेंस सी, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये इसका कैपेसिटेंस है क्यू अपॉन वी। अब पहले जो इसका वी था 1000, ये वी अब कितना हो गया 700। अगर ये वी कम हो गया तो इसके सी की वैल्यू का क्या होगा, सी विल इंक्रीज। वही प्लेट है उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, द कैपेसिटेंस इंक्रीज। ओके तो इस तरह से एक प्लेट सामने लाने से ही कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अब अगला स्टेप देखिए, दिस वाज स्टेप वन। अगले स्टेप में हमने ये किया कि ये प्लेट वैसी ही है और ये जो प्लेट है जिसके ऊपर माइनस और प्लस था इसको हमने अर्थ कर दिया। अगर हम इसको अर्थ करते हैं तो क्या होगा, फिर से इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है प्लस टू माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये वाले प्लस से ये वाले माइनस को खींच के रखा हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा नोमेनक्लेचर, ये जो माइनस है इनको हम बोलेंगे बाउंड चार्जेस, क्या बोला जाएगा बाउंड, और ये वाले जो चार्जेस हैं दे वांट टू गो अवे सो दे विल बी नोन एज फ्री चार्जेस। अब यहां पर आते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों ने एक दूसरे को खींचा हुआ है और ये बाउंड चार्जेस वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन अर्थ कनेक्ट होने से अर्थ के पास बहुत बड़ा स्टोर है पॉजिटिव का भी और निगेटिव का भी, तो ये सारे प्लस चार्जेस यहां से माइनस को खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं और खींच के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गए तो यहां का चार्ज क्या हो गया, जीरो 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 जीरो, नो प्लस चार्ज, ठीक है नो प्लस चार्ज। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ेगा देखिए, ये वाला तो हमारा एक्शन हुआ था, इस एक्शन में क्या हुआ था, ये जो प्लस थे इस प्लस ने ये जो माइनस है इस माइनस ने यहां पोटेंशियल बनाया था माइनस 700 और इस प्लस ने यहां प्लस बनाया था प्लस 400 और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया था माइनस 300 और माइनस 3 हम इसमें से किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया 700। अब जब हमने इसको अर्थ कर दिया तो बताइए इस कैलकुलेशन में क्या चेंज होगा, प्लस वाले हट गए तो ये प्लस 400 हट गए, अब सिर्फ और सिर्फ कौन पोटेंशियल बना रहा है निगेटिव और उसका पोटेंशियल सिर्फ कैसा बनेगा निगेटिव। तो अब यहां पर ओरिजिनल हमने कितना दिया था 1000 वोल्ट, इसने यहां कितना क्रिएट किया माइनस 700 और ये प्लस 400 नहीं बना क्योंकि ये सारे प्लस जिसने 400 बनाया था वो तो सारे के सारे प्लस न्यूट्रलाइज हो गए। अब सिर्फ क्या बचा माइनस 700 वोल्टेज कितनी हो गई, अब इस प्लेट की वोल्टेज कितनी हो गई 300 वोल्ट, शुरू में कितनी थी 1000, प्लेट सामने लेके आए कितनी हो गई 700, अर्थ कर दिया कितनी हो गई, अगर ये वोल्टेज और कम हो गई व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटेंस, और बढ़ जाए, ठीक है। सो सेकंड प्लेट इज अर्थ, सेकंड प्लेट इज अर्थ, द पोटेंशियल इंक्रीज, द पोटेंशियल
decrease further. Positive neutralized. Therefore, C increase more. अब C और बढ़ जाए तो आप देख रहे हैं पहले के कंपैरिजन में इसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया। ठीक है, जब हमने एक सिंगल प्लेट बनाई थी तब उसका कैपेसिटेंस सिंगल प्लेट का सिर्फ 1000 वोल्ट था और उसने थोड़ा सा चार्ज दिया था। अब अगर हम इसका कितना हो गया 300 वोल्ट और हम इसको वोल्टेज कहां तक बढ़ा सकते हैं 1000 का। अब अगर हम इसको 1000 करना चाहेंगे तो जो पहले हमने इसको 1000 दिया था हम उस पर 2000 डाल देंगे 3000 डाल देंगे तब जाकर ये 1000 वोल्ट पे पहुंचेगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। पहले 1000 में इनपुट हो गया था 1000 वोल्ट आ गया था, अब उसका वोल्टेज 300 हो गया, इतनी जगह ऊपर और बन गई, उसमें हमने और चार्ज कर दिया। इस तरह से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए क्या दो स्टेप किए, वन पैरेलल प्लेट की सप्लाई एंड इट इज अर्थ। ये दोनों चीज जब हो जाती है देन इट बिकम ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी हैज इंक्रीज। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Okay, now how much is the parallel plate capacitor? This we will do in the next class.